कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में भयावह रूप ले चुका है। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना पॉजिटिव 80 साल की महिला की लाश अस्पताल के बाथरूम में मिली है, जो कि 2 जून से लापता थी। अस्पताल के मुताबिक 1 जून को महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अगले दिन 2 जून को खबर आती है कि वो महिला लापता हो गई है। पुलिस में महिला की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। वहीं अब अस्पताल में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 80 साल की महिला को कोरोना के लक्षण मिलने के बाद महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना की जांच हुई। 1 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला के परिवार वालों के मुताबिक बुधवार सुबह 9:30 बजे उन्हें बताया गया कि महिला की लाश उसी अस्पताल के बाथरूम से मिली है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए विनाश टांगे DM जलगांव का कहना है कि यह काफ़ी गंभीर मामला है, यह बड़ी लापरवाही है। अस्पताल के बाथरूम दिन में 2 से 3 बार साफ किए जाते थे, ऐसे में किसी ने बाथरूम में महिला को कैसे नहीं देखा। हम इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।